गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। तो केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया प्रैक्टिकल्स, जो कि अमोनियम आयन का डिडक्शन किया जाएगा आपका सॉल्ट में। और आप याद रखिए कि आपको जो सॉल्ट दिया जाता है वो वाइट सॉल्ट दिया जाता है, नहीं है? ताकि आपको अगर कलर्ड सॉल्ट दिया जाएगा तो कलर्ड सॉल्ट देख के ही पता लग जाता है कि कौन सा ये सॉल्ट है। तो मैक्सिमम जो सॉल्ट दिए जाते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो ध्यान रखें कि वो सॉल्ट दिया जाता है आपको वाइट सॉल्ट दिया जाता है। तो हम भी एक वाइट सॉल्ट लेते हैं, सपोज अमोनियम क्लोराइड्स, ठीक है? इसमें अगर हम अमोनियम आयन की रिडक्शन देखेंगे तो कौन सा सॉल्ट लेना होगा हमको? अमोनियम क्लोराइड। आप देखिए, अमोनियम क्लोराइड्स है, तो इसमें हम जो इसमें अमोनियम आयन का रिडक्शन किया गया कि इसमें आपका NH4+ आयन मौजूद है या नहीं, इसके लिए सबसे पहला है कि हम पिंच ऑफ सॉल्ट तैयार करते हैं। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ले लिया जाए, ठीक है? तो इससे पिंच ऑफ सॉल्ट रख लिया गया है, आपका वाइट सॉल्ट है ये। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आप दूसरे टेस्ट ट्यूब का यूज़ करेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसके जरिए हम तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा है कि, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, ये आपका पिलेट्स है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें रख रहा हूँ, ठीक है? आप देख रहे हैं। और इसका मैं एक्वा सॉल्यूशन तैयार करूँ, इसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करना होगा आपको। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर, तो इसमें हम वाटर क्या कर रहे हैं, इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो हो गया एक्वा सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका तैयार होगा। दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा, ठीक है? दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। तो मिक्स करने के बाद हम लोग रिजल्ट देखेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसको क्या किया जाएगा, आपका बर्नर पे इसको हीट करेंगे। मिक्स करने के बाद बर्नर पे हीट किया जाएगा, और हीट करने के बाद आपके जो टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ पे ग्लास रोड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबो के उसके माउथ पे लाया जाएगा। अगर यहाँ पे डेंस वाइट फ्यूम आपको दिखे, डेंस वाइट फ्यूम दिखेगा जिसका कि स्मेल क्या होगा, एमोनिकल स्मेल होगी, तो ये आपका एक तरह से कंफर्म करता है कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट में NH4+ आयन मौजूद है। इसके बाद अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहते हैं इसके लिए, कि NH4+ आयन का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है, तो कैसे हम कन्फर्म करेंगे? हो सकता है कि NH4+ आप लिख सकते हैं इन्फ्रेंस हमारा आया कि मे बी प्रजेंट या मे बी, हो सकता है ना भी हो, तो इसके लिए किया जाता है कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है? तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं नेस्लर रिएजेंट। अगर हम अमोनियम आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो हम लोग नेस्लर रिएजेंट का यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों का जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे, इसको मिलाने के बाद अगर ये रेडिश ब्राउन हो जाता है तो समझ जाएगी, ये कन्फर्म करता है कि इसमें NH4+ आयन मौजूद है। तो चलिए टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो पर बने रहिए और भरपूर आनंद उठाइए इस किस तरह से हम लोग NH4 आयन का रिडक्शन किया जाता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी सॉल्यूशन बन के तैयार है, अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे इस सॉल्यूशन को, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड में इसको मैंने मिक्स कर दिया, सपोज कोई सॉल्ट है इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है? ऑलरेडी मिक्स हो गया। अब क्या किया जाएगा, इसको इस पर हीट करेंगे, इस पर ध्यान देंगे, इस पर हीट किया जाएगा। इसको वहाँ से फुल तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इसको हीट किया जाए, इसको आप टेस्ट ट्यूब होल्डर से आप पकड़ लेंगे इसको। ड्यूरिंग जब हीट करेंगे आप तो इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से आप इसको होल्ड कर लेंगे, और इसमें हम हीट करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। अब ये हीट हो रहा है, ध्यान देंगे इसको, इस तरह से आप हीट कर लेंगे, इस तरह से हीट कर लेंगे, ये हीट हो गया, ठीक है? अब इसको हीट करने के बाद आपको क्या करना है कि ग्लास रोड
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करना है, ग्लास रोड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करना होगा, ग्लास रोड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको डिप करना होगा ग्लास रोड। देखो तो बाबू ग्लास रोड कहीं है, तो ग्लास रोड को डिप करना होगा इसमें। अगर वाइट फ्यूम देता है उसको ऑफ करो, अगर वाइट फ्यूम देता है तो समझ जाएंगे, ध्यान देंगे कि वाइट डेंस फ्यूम आ रहा आपको दिख रहा, ये डेंस फ्यूम आ रहा है वाइट कलर का, विच है एमोनिकल स्मेल, आप गौर करेंगे, ये बता रहा है कि सॉल्यूशन में NH4 आयन का प्रेजेंस है। अगर आपको शक लग रहा है या नहीं है, तब उसके लिए हम करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है, हो सकता है होगा या हो सकता ना हो, ऐसा लग रहा है माइंड में आ सकता है स्टूडेंट का कि क्या मे बी और मे और मे नॉट, तो इसके लिए आता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम क्या करेंगे, नेशनल रिएजेंट का यूज करेंगे, तो नेशनल रिएजेंट जैसे ही डालेंगे अगर सॉल्यूशन का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है तो ये 100% कन्फर्म करता है कि इसमें हमारे पास NH4 आयन मौजूद थे, ये नेशनल रिएजेंट हमने लिया है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए कि कैसा कलर आ रहा है, रेडिश ब्राउन आ रहा है, तो रेडिश ब्राउन अगर कलर आ रहा है तो आप क्लियर समझे कि इसमें NH4 आयन प्रेजेंस था, क्लियर। तो ये था आज का जो टेस्ट NH4 आयन का डिडक्शन, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप लैब में NH4 आयन का परफॉर्मेंस दिखाओगे। इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगा आपको, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड्स, ठीक है, अगर टेस्ट करना है तो अमोनियम क्लोराइड्स लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोलूशन लेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे, आप मिक्स करने के बाद हीट कर लेंगे बर्नर पे, अगर हीट करने के बाद ग्लास रोड को डिप करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और माउथ टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाएंगे, देखेंगे एक वाइट डेंस कलर का फ्यूम आ रहा है तो समझ जाएंगे कि आपका NH4 आयन्स प्रेजेंट है। अगर आपको थोड़ा शक लग रहा है या नहीं है तो नेशनल रिएजेंट लेंगे, मारेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट, रेडिश ब्राउन आएगा तो ये क्या है कि 200% क्लियर हो गया इसमें NH4+ आयन मौजूद है। तो ठीक है, तो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए प्रैक्टिकल के साथ, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत